Good morning, dear friends, and what a wonderful day it is to live for God and glorify Him. So, so before we get into the business of this day, let us separate these very few minutes to listen to the voice of God, and you will hear His voice. थ्रू हिस वर्ल्ड और होने दे आज के दिन इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हो जाएं उससे पहले हम कुछ क्षण लेकर के उसके वचन पर मनन करें और होने दे उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील रहें। टुडे रहे मेडिटेशन इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड लास्ट ट्यूसडे और आज का जो मनन है वो उसी का भाग का आगे का हिस्सा है जो हमने मंगलवार को शुरू किया

दूसरी बात जो हमने पिछले मनन में रखा था वो ये था छुटकारे की घोषणा है हमारी आत्माओं का छुटकारा और हमारे आशा की हमारा शरीर भी उस छुटकार वेरी प्रेसेंस ऑफ इवल and Satan. और हमारा अंतिम छुटकारा जो शैतान और उसकी बुराई से हो जाएगा। Thirdly, तीसरी बात It's a declaration of a और ये इस बात की घोषणा है कि हम किस प्रकार से निर्भर हैं. Because according to St. John chapter 6 verse 53 says this. और यहोनाचे सुसमाचार उसका छठा अध्याय और उसके तिरपन वचन में ये लिखा है. Listen to this. यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम मैं जीवन नहीं एंड दिस से

Ways and और जो, or post. और जो इबरानी लोग थे उन्होंने अपने भवन के फाटकों में मेमने के लहू को लगाया बट देन देखिन उन्होंने उस मेमने का जो मास था उसे खाया इन ऑर्डर टू गेन स्ट्रेंथ फॉर द जर्नी Ahead of them. ताकि जो यात्रा उनका इंतजार कर रही थी उसके लिए वो एक सामर्थ और बल को पा सके मैं चाहता हूँ इस बात को ध्यान पूर्वक सुने ताकि आप इसे समझ ऑफ गॉड से इसका मतलब ये है जब परमेश्वर का मेमना इस बात को कहता है ईट माई फ्लैश एंड ड्रिंक माई ब्लड मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो इट वॉट मीन इसका मतलब क्या है इट मीन्स जर्नी मतलब यह है कि मेमना हमसे यह कह रहा है कि आओ और खुद को तरोताजा और पोषण से भर लो ताकि तुम्हारे अंदर वो बल और शक्ति आए कि आगे की यात्रा को विश्वास के जीवन के लिए तुम तैयार कर लो वी नीड स्ट्रेंथ फॉर द रोड और हमें उस यात्रा के सड़क पर चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता है और इसलिए हम परमेश्वर की या प्रभु मेज पर आते हैं अट्नोलॉजिंग आवर टोटल डिपेंडेंस ऑन हिम And him alone. और इस बात को दर्शाते हुए कि हम पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हैं। है दिस इज अच्चर ऑफ अस drawing from God's resources. और ये इस बात के दृश्य को दिखाती है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के स्रोतों से अपनी शक्ति को पाते हैं That's what that saying means. और इस बात का मतलब यही है And fourthly, और चौथी बात, it's a time for self-examination. और प्रभु म, प्रभु भोज का मतलब है ये एक ऐसा समय है जब हम खुद को और so और आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। केवन और पहला उसका ग्यारहवा अध्याय और सत्ताईसवा वचन ट्वेंटी सेवन टू थर्टी वन और सताइसवें वचन से लेकर के इकतीसवें वचन तक इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और और लहू का अपराधी ठहरेगा mm. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए mm. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने में अपने ऊपर दंड लाता है mm. और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए mm. और जिसका प्रयोग किया गया है के लिए. And that word वर्ड मीन्स रनिंग टेस्ट और इसका मतलब ये है कि एक परीक्षा के लिए आपको देनी है एट द table. और परमेश्वर की मेज के सामने Test your ओन हार्ट अपने हृदयों को जांचें और परखें।

क्योंकि जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमारा मन साफ होना चाहिए परमेश्वर के समुख और साथ ही साथ हमारे भाई और बहनों के डू यू है आपका झगड़ा किसी के साथ है एनी इन द कांग्रीगेशन क्या कलीसिया में किसी के साथ कोई झगड़ा है और एनी इन यूर ओन फैमिली या परिवार में किसी के साथ कोई झगड़ा है डू यू खास डिविजन क्या आप बंटवारे को लेकर के आते हैं डिविजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह की देह में बंटवारे को लेकर के आते हैं एंड इफ सो और अगर ऐसा है

और जैसा कि लिखा है हम परमेश्वर के न्याय को पीते और खाते to यू table कम टू द with विध डिवाइडेड हार्ट toward अदर्स और आप परमेश्वर के मेज के समुख बटे हुए हृदय के साथ नहीं आ सकते एंड फिफ्थली और पांचवी बात इट्स provision ऑफ हीलिंग याद रखिए ये चंगाई के लिए परमेश्वर के द्वारा एक मार्ग है There इज हीलिंग इन इन द लॉर्ड सफर और याद रखिए प्रभु मेज में या प्रभु भोज में एक चंगाई का सामर्थ है बट वेन लेकिन कब वेन वी टेक इट what अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट द बॉडी स्टैंड वट द ब्लड स्टैंड ये तब ही होगा जब हम इसमें भाग लेते हैं एक स्पष्ट रूप से साफ सोच के साथ कि लहू और देह किस बात को दर्शाती है एंड इट इज very वेरी इंपॉर्टेंट that फॉर दैट towards एटीट्यूड and अदर्स एंड and गॉड एंड Lord's द लॉर्ड इट सेल्फ मस्ट बी बिब्लिकल

उसका आठवा अध्याय सत्रवें वचन को आप पढ़े अंद हिंदी

आई एम ओके क्योंकि मेरे मित्रों ये कोई हल्की बात नहीं कि आप महीने में एक बार हफ्ते में एक बार प्रभु मेज में आते हैं लेते हैं सहभागिता करते हैं और जैसे पहले थे वैसे ही चले जाते हैं ऑन द अदर हैंड लेकिन दूसरे हाथ पर हीलिंग आल्सो इज अवेलेबल इन दिस याद रखिए कि इस मेज में इस भोज में चंगाई When भी उपलब्ध है विद द फियर ऑफ द लॉर्ड जब हम इसमें सहभागिता करते हैं परमेश्वर के भय को रखते and हुए एंड इन द होली वर्शिप ऑफ गॉड और एक पवित्र आराधना करते हुए परमेश्वर की और हमारे हृदय परमेश्वर के दुख और दर्द के प्रति नम्र हो जाते हैं यू कैन एक्सपेक्ट टू बी ही और आप इस बात को सोच सकते हैं कि हाँ आपको भी चंगाई भी ही you you और परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप ऐसा करते And हैं is, और अंतिम बात यह है इट वी आर ऑल्सो Another thing when we observe the Lord's coming. हम एक और बात की घोषणा करते हैं जब हम प्रभु मेज में सहभागिता करते, करते हैं कि प्रभु मसीह का दूसरा आगमन हो this रहा is है the hope of a believer. और यही एक आशा है विश्वासी की। और यही आशा हमें आगे ले जाती है प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वासी योग्य बने रहने के लिए चाहे

Our eternity with Jesus Christ. और जब यीशु अगर वापस आएगा तब हमारे सारे दुखों सारे दर्द सारे आंसुओं और सारी बीमारियों हर एक बात का बुराई का न, 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 अंत, अंत हो जाएगा और तब हम उसके साथ। साथी एस यू your life today. जैसे कि आज के दिन आप अपने जीवन को जीते इन द फर ऑफ द लॉ परमेश्वर के भय में एंड as you look forward to the next communion service in your own church. और जैसे कि आप आगे की ओर आशा लगाए हुए हैं प्रभु भोज के लिए अपनी कलीसिया में अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज तो आप जाएं एक अच्छी और स्पष्ट सोच के साथ और समझ के साथ कि ये प्रभु प्रभु मेज है क्या डोंट बी केयर और हल्की रीति से भाग be ना ले सीरियस अबाउट इट क्योंकि आपको इसके प्रति गंभीर रहना है। as you live today, और जैसे कि आज के दिन आप जीते है लेट द नेम ऑफ जीसोरिड इन यू एंड थ्रू यू होने दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन से महिमा ऐसी महिमाफुल ग्रेट डे और होने दे एक अद्भुत और अच्छा दिन आप सबका भी द दिक्टोरी ऑफ द क्रॉस और आप उस क्रूस के जयवंत विजय का आनंद लेने पाए एंड द ग्लोरियस लॉर्ड इज कमिंग बैक अगेन और याद रखिए वो महिमा परमेश्वर दोबारा आ रहा है गेट रेडी तैयार हो जाए गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष आमेन आमेन